मकर संक्रांति शुरू होने वाली है। हर जगह त्योहार की रंग बिरंगे रंग बिखरे दिखाई देंगे पतंगों के रूप में। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष में इस घटना को संक्रांति कहते हैं। इस अवसर को देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहारी के नाम से पुकारा जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ के पर्व त्योहार का संबंध काफी कुछ कृषि पर निर्भर करता है। मकर संक्रांति ऐसे समय में आता है जब किसान रबी की फसल लगाकर खरीफ की फसल मक्का गन्ना मूंगफली उड़द घर ले आते हैं। किसानों का घर अन्न से भर जाता है, इसलिए मकर संक्रांति पर खरीफ की फसलों से इस पर्व का आनंद मनाया जाता है। यदि आप भी कोई ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं जो इस मकर संक्रांति में आपकी कमाई में चार चांद लगा दे तो पतंग बनाने का बिजनेस आप कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा बिजनेस है जो सालों साल चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि मकर संक्रांति खत्म होते ही ये बिजनेस ठप हो जाता है, बल्कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो स्पोर्ट्स में माना जाता है। सही जगह का चयन करें। इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक ऐसी जगह चुननी होगी जहां पर आप आसानी से पतंग बना सकें। इस बिजनेस को आप चाहें तो अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको बस एक कमरे की आवश्यकता होगी जहां पर आप पतंग बनाकर उन्हें क्राफ्ट के आइटम्स की तरह ट्रीट कर सकें। आप इस बिजनेस को अपने घर की छत पर भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको छत पर शामियाना लगाना होगा जिससे मौसम की मार आपके बिजनेस में बाधा ना डाले। साथ ही आपको पतंग के रखरखाव के लिए कुछ काम करना होगा, जैसे तार, अलमारी या बॉक्स आदि। पतंग बनाने की आवश्यक सामग्री। पतंग बनाने के लिए आपको इन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी: पतंग का कागज, लकड़ी की सीख, स्टिक, गोंद, टेप, डिजाइन बनाने के लिए डेकोरेशन सामान, कलर आदि। कहाँ से खरीदे सामान? यदि आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो ऐसे में आवश्यक होता है कि आप कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकें। तो ये कैसे होगा? इसके लिए आपको अपने बिजनेस में काम में आने वाली सामग्री को थोक में खरीदना होगा, किसी होलसेल मार्केट से या कोई ऐसी शॉप से जहां पर आप एक साथ सारा सामान खरीद सकें और दुकानदार से मोल भाव कर सकें। यदि आप एक ही शॉप या डीलर से सामान खरीदते हैं तो आपको सामान कम लागत में मिलता है, या फिर आप ऑनलाइन भी सामान ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर करें। बिजनेस करने से पहले पतंग बनाना सीखें। किसी भी बिजनेस को करने से पहले आवश्यक होता है कि आप उस बिजनेस से जुड़ी जानकारी हासिल करें, उसके बारे में एक्सपर्ट हों, यानी कि आपको अपने बिजनेस के बारे में पता हो, कैसे बनता है, कैसे सही होता है या फिर कैसे शुरू होता है। ऐसे में यदि आप पतंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पतंग बनाना सीखना होगा। इसके लिए आप किसी क्राफ्ट कोचिंग सेंटर से जुड़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस बिजनेस को अकेले शुरू नहीं कर सकते। आप इस बिजनेस को अकेले भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को अपने बिजनेस का पार्टनर बनाते हैं या काम पर रखते हैं तो ये आपके बिजनेस में तरक्की के लिए अधिक फायदेमंद रहेगा। आप चाहें तो अपने परिवार के सदस्यों को भी इसमें जोड़ सकते हैं। यदि परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस बिजनेस को करते हैं तो कम समय में अधिक प्रोडक्ट बनता है और इससे घर की मेहनत और पैसा घर में ही रहेगा। पतंग के बिजनेस में निवेश व कमाई। इस बिजनेस में आप 50,000 से लेकर 1,00,000 तक कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपए से लेकर 2,000 तक पतंग की कीमत में आप अपनी पतंग बेच सकते हैं। लागत से कई गुना अधिक इस बिजनेस में कमाई है। आधुनिकता की ओर बढ़ रहा पतंग बिजनेस। आज के समय में आप देख सकते हैं पतंग की डिजाइन में भी बहुत अधिक प्रतियोगिता है। किसकी कितनी बड़ी पतंग, किस किस डिजाइन में पतंग है, ये भी लोग अब ध्यान में रखते हैं। कुछ तो अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए भी इस तरह की डिमांड रखते हैं। यदि आप इस आधुनिकता को ध्यान में रखकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आप बहुत अच्छा बिजनेस चला सकते हैं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।